नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, लगातार आप लोगों के सवाल आ रहे हैं कि जब भी आप लोग प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि पास में ही एक आईटी पार्क आने वाला है। हर एक लोकेशन से ये जो खबरें आ रही हैं और आप लोग इसे कमेंट में करके बताते भी हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि आखिर यहाँ पे आईटी पार्क आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज इसी विषय पे जो है इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो जो आपके सवाल तमाम जगहों से आए हैं उसको समराइज करके ये सवाल जवाब का एपिसोड इसी पे पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर रहे हैं। लेकिन आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करने के साथ साथ यदि आप सौदागर के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदने में कोई दुविधा है, कुछ ऐसी चीज़ें संशय हैं जहाँ पे आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख के बता दीजिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है उसे क्लिक करिए और अपनी समस्या थोड़ी में हम तक पहुँचा दीजिए। तो देखिए, जो ये आईटी पार्क बनने वाले हैं इसे समझना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब कोई भी नया डेवलपमेंट होता है तो उसके कई पहलू होते हैं, वो पहलुओं से होने के बाद ही उस डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। अभी पहलू क्या होते हैं, जब कोई भी इंफ्रा डेवलपमेंट किया जाए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या फिर प्राइवेट बॉडी कोई चीज़ करती है, उसके लिए सबसे पहले आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस लेना जरूरी हो जाता है। यानी कि जो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हैं वो एनवायरनमेंट को कितना इंपैक्ट करेगी, वो सारा असेसमेंट होता है। और आप कैसे करेंगे, उसको पानी कैसे मुहैया कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मुहैया कराएंगे, वहाँ पर जो लोग आएंगे काम के लिए उनको पार्किंग की क्या सुविधाएँ रहेंगी, ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से तफसील की जाती हैं। अब आप ये समझिए कि हमने ये जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाए हैं ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा से लाए हैं, जो अभी रिसेंटली ही जो है एक तरीके से पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में। क्योंकि जब किसी भी प्रोजेक्ट को जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता है तो उन्हें उसे न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करना होता है। तो ये जो है पब्लिश किया हुआ आर्टिकल हमें दिखा और वहाँ पर जो इसी नंबर था, जब हमने उसे सर्च किया तो ये सामने बात आई कि PCMC और PMC में दो जगहों पर जो है आईटी पार्क आने वाले हैं। और ये एक ऐसा डेवलपर ला रहा है जो जिस भी लोकेशन में जाता है और एक तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट किया है आईटी के क्षेत्र में या फिर जो इंफ्रा डेवलपमेंट में कॉमर्शियल के क्षेत्र में, तो उस लोकेशन का फेसलिफ्ट तो हुआ ही है और उस लोकेशन को एक अच्छा खासा ड्राइवर बना दिया है जो आसपास के लोकेशन को भी अच्छे से ड्राइव कर देता है। तो ये जो डेवलपर है इसका नाम है पंचशील रियलिटी और इन्होंने जो है वाकड़ में अनाउंस किया है, जो कि PCMC के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे सर्वे नंबर 106, 107, 108 में अभी एक बार जो है आप लोग जो है मैप के जरिए भी देख के समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे इनको जो है एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिला हुआ है। यानी कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये कॉमर्शियल का लाने वाले हैं, ये आईटी पार्क यहाँ पे रहेगा। इसके लैंड साइज़ की अभी बात करें जो कि इन्होंने इसी में दिखाया हुआ है, वो लगभग 4 एकड़ का है। एक बार इसके पूरे प्रोजेक्ट को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये 7+19 स्टोरेज का रहेगा, 7 पार्किंग और उसके ऊपर 19 स्टोरेज जो है टावर बनाए जाएंगे। अभी जो 7 लेवल का जो आपका पार्किंग है इसमें 3 लेवल बेसमेंट रहेंगे और उसके ऊपर स्टिल्ट और जो अपर फ्लोर पे रहेंगे, इस तरीके से 7 लेवल का पार्किंग, यानी कि अच्छी खासी पार्किंग प्रोवाइड की जा रही है। और इसके ऊपर जो है सारे कॉमर्शियल के सेगमेंट्स रहेंगे। तो अब ये चीज़ निकल के आ रही, क्योंकि जैसे ताथोड़े के आसपास लोग आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि हाँ कहा जा रहा है ताथोड़े में ये आईटी पार्क ऐसा आने वाला है, वो वाकड़ में है। सर्वे नंबर जैसे हमने आपको बताया 106, 107, 108 में ये डेवलपमेंट आपका हो रहा है। यानी कि ये आसपास के लोकेशन को कहीं ना कहीं अच्छे से ड्राइव करने के लिए कैपेबल रहेगा, क्योंकि पंचशील ने जहाँ भी कदम रखा, जैसे हमने आप लोगों को कहा, उस लोकेशन को उन्होंने कहीं ना कहीं एक पुश जरूर दे दिया है। अब आते हैं ईस्ट पुणे की तरफ। ईस्ट पुणे से भी सेम चीज़ जो है निकल के आई है। यहाँ पे जो अगर आप देखें इन्फॉर्मेशन, अभी मैप के जरिए भी एक बार आप लोग देखने की कोशिश करें, यहाँ पे सर्वे नंबर 69/4 और 69/5 में खराड़ी लोकेशन में इनका यहाँ पे भी लगभग 4 एकड़ के पूरे लैंड पार्सल पे डेवलपमेंट करने वाले हैं। यहाँ पे जो इनके बिल्डिंग की हाइट रहने वाली है वो दिखाया गया है 5+17, यानी कि 5 लेवल का जो है पार्किंग रहेगा, उसके ऊपर 17 स्टोरी टावर रहेंगे। और ये जो 5 लेवल का पार्किंग, इसमें 2 लेवल का बेसमेंट रहेगा, यानी कि दोनों जगहों पे अच्छा खासा पार्किंग प्रोवाइड किया जा रहा है। और खराड़ी अपने आप में, आप देखिए यहाँ पे पंचशील ने तमाम जो है, चाहे ईऑन आईटी पार्क की बात कर लीजिए, WTC की बात कर लीजिए, उसे यहाँ पे स्टेब्लिश किया है पूरे एक डिकेड में। और खराड़ी और इसके आसपास के लोकेशन में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो ड्राइवर है वो पंचशील ने ही डेवलप किया हुआ है। तो अब ये नए 2 डेवलपमेंट के साथ, एक तो खराड़ी को पुश मिलेगा ही मिलेगा, और जो आपको वाकड़ में मिलेगा उससे आसपास के लोकेशन को भी फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जब भी आप लोग उबाले नगर जाते हैं, वाघोली की तरफ जाते हैं, तो आप लोग हमेशा ये चीज़ कहते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ और डेवलपर की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे आईटी पार्क आने वाले हैं। अब आप ये समझिए कि वहाँ पे आईटी पार्क अगर आएगा तो जो ये सारा प्रोसेस है ये सबसे होके गुजर के ही तब कभी आगे जाके कंस्ट्रक्शन का काम होगा। तो अभी ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं,
तो आप जो है किसी 20 साल आगे वाली चीज़ों को जो है पकड़ के बैठेंगे और उससे अपना निवेश करेंगे और आज ही आप अच्छा खासा पैसा दे देंगे तो उसमें आपका फ़ायदा नहीं है। अब जैसे यहाँ पे चीज़ें जो है एक तरीके से पुख्ता हो जाती हैं कि ये जो दो जगहें हम आपको बता रहे हैं वाकड़ और खराड़ी, यहाँ पर ये डेवलपमेंट होने वाला है और ये प्रॉपर वाकड़ और खराड़ी है, इसके साथ कोई अपर लोअर खराड़ी नहीं जुड़ा हुआ है, ना तो वाकड़ के साथ कोई अपर एनएक्स और लोअर जुड़ा हुआ है। यानी कि आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आप जहाँ प्रॉपर्टी ले रहे हैं उस लोकेशन को अच्छे से उसका नाम जानिए, ना कि उसके आसपास का। बाकी जो मैंने आपको ये दोनों डेवलपमेंट बताए हैं, इसका डेवलपमेंट कब शुरू होगा, कैसा कैसा इसका वर्क प्रोग्रेस रहेगा और जो भी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएंगे वो भी आप तक लाते रहेंगे। यदि आप ऐसे ही रियल इस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के वीडियोज़ लगातार देखने चाहते हैं तो अपने चैनल सौदाघर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।